हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और उसका होमवर्क भी तो दिया था। आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलिए बच्चों, आज की नई क्लास में नया चैप्टर पढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? सेकंड चैप्टर। उस सेकंड चैप्टर का क्या नाम है? नटखट गोलू। वेरी गुड। चलिए इस कहानी को पहले पढ़ेंगे और उसको साथ साथ समझते हुए चलेंगे। आप लोग समझोगे ना बच्चों? चलो मेरे साथ पढ़ो और उसको ध्यान से सुनना, उसके बाद हम इसका अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। चलो बच्चों पढ़ते हैं। एक था गोलू। एक कौन था बच्चों? गोलू था एक प्यारा सा बच्चा, बिल्कुल आपकी तरह, बड़ा ही नटखट, हाजिर जवाब। बच्चों क्या था वो गोलू? वो बहुत नटखट था, शरारती बच्चा था। वेरी गुड। दिमाग का बड़ा तेज, प्यारी प्यारी बातें करके सबको हंसाता, हर आने जाने वाले की सारी गतिविधियों पर ध्यान देता। मम्मी का तो लाडला था, भाग भाग मम्मी के सारे काम करता था, कपड़े समेट लेता, पड़ोस की चाची को मम्मी का संदेश दे आता, घर के नीचे से छोटे मोटे सामान भी ले आता था गोलू। एक दिन गोलू स्कूल से लौटा। स्कूल से वो वापस आया बच्चों, तो उसने देखा दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा है और मम्मी उसे रुपए दे रही है। गोलू ने मम्मी से पूछा, आपने उसे रुपए क्यों दिए? गोलू ने मम्मी से क्या पूछा बच्चों? मम्मी आपने उस व्यक्ति को पैसे क्यों दिए? फिर बेटा वह नल ठीक करने आया था। मम्मी ने क्या कहा गोलू को? बेटा वो जो अंकल थे वो नल ठीक करने आए थे, इसलिए मैंने उन्हें पैसे दिए। गोलू ने मम्मी से पूछा, आपने उसे रुपए क्यों दिए? बेटा वह नल ठीक करने आया था, उसने हमारा काम किया, इसलिए मैंने उसे रुपये दिए। क्या बेली मम्मी? उसने हमारा काम किया, नल ठीक किया, तो इसलिए मैंने उसे पैसे दिए, मम्मी ने उत्तर दिया। गोलू ने गर्दन हिलाया, ऐसे गर्दन हिलाकर क्या किया बच्चों? सहमति जताई। मतलब सहमति जताना क्या होता है बच्चों? जब किसी को बात समझ आ जाती है तो वह ऐसे करता है, मतलब हाँ मुझे समझ आ गया है। वेरी गुड। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। फिर एक दिन उसने देखा मम्मी ने धोबिन को रुपये दिए, दूध वाले को रुपये दिए, महारी को रुपये दिए। गोलू सोच में पड़ गया, ये सभी मम्मी का काम करते हैं और मम्मी इन्हें रुपये देती है, फिर मैं तो दिन भर मम्मी को कितना सारा काम करता हूँ, मुझे तो रुपये मिलने चाहिए। हो सकता है मम्मी को याद नहीं रहता हो। बच्चों गोलू क्या समझ रहा है यहाँ पे? गोलू समझ रहा है कि सभी अंकल लोग आते हैं, वो काम करते हैं और पैसे ले जाते हैं, लेकिन गोलू भी तो इतना सारा काम करता है, उसे तो रुपये मिलते नहीं हैं। ऐसा गोलू सोच रहा है और सोच रहा है कि मम्मी शायद भूल गई है मुझे पैसे देने। और उसके आगे क्या बोलता है गोलू? बोलता है, मैं ही मम्मी को याद दिलाता हूँ, मम्मी अगर भूल गई हो तो चलो मैं याद दिला देता हूँ कि मम्मी मुझे पैसे दो। गोलू ने मन ही मन सोचा और दूसरे दिन से जो भी काम हुआ करता उन्हें लिख कर लिख लेता। जैसे मम्मी आपको वर्क देती है ना, बेटा ये करो बेटा वो करो, ऐसे गोलू को भी काम बताती थी। और गोलू ने क्या किया? उसे लिख लिया। किस पर? अपनी नोट पर, नोटबुक पर। वेरी गुड। कुछ दिन बाद गोलू ने मम्मी को एक पर्चा दिया। क्या दिया बच्चों? जो गोलू ने काम किया था ना, उसका एक पर्चा किसको दिया? मम्मी को दिया। मम्मी ने उसे खोलकर पढ़ा तो हैरान हो गई। जब मम्मी ने गोलू का दिया हुआ पर्चा खोला तो वो हैरान हो गई। क्या को हैरान हो गई बच्चों? उसने लिखा था गोलू के काम, कपड़े समेटना 10 रुपये, सामान लाना 10 रुपये, मम्मी की बोतल भरना 10 रुपये, फूल तोड़ना 10 रुपये, तो टोटल कितने काम हुए? 4। तो सबके कितने पैसे हो गए बच्चों? 40 रुपये हो गए। वेरी गुड। मम्मी ने बिना कुछ कहे 40 रुपये अलमारी में रख दिए। गोलू रुपये पाकर बड़ा खुश हुआ। कुछ दिन बीत गए, गोलू अभी भी अपने कामों की हिसाब लिखता जा रहा था कि मम्मी ने उसे एक पर्चा थमाया। गोलू ने पर्चा खोला, मम्मी के काम, गोलू को जगाना 0 रुपये। बच्चों
देखो गोलू ने जितने भी सारे काम किए उसका पर्चा बना लिया था कि मम्मी ने मुझे इतने काम दिए और इतने काम के इतने रुपए हुए। वेरी गुड, आप सही समझ रहे हो कहानी को। फिर गोलू की मम्मी ने भी एक पर्चा बनाया, उसमें क्या लिखा था बच्चों? गोलू की मम्मी ने अपना पर्चा बनाया कि मम्मी का काम, मम्मी का क्या काम होता है देखिए, गोलू को जगाना कितने रुपए? 0। गोलू को तैयार करना कितने रुपए हुए प्यारे बच्चों? उसके भी 0 रुपए। मम्मी गोलू के लिए खाना बना के देती है, उसके कितने रुपए? 0 रुपए। गोलू को पढ़ाना उसके कितने रुपए बच्चों? उसके भी 0 रुपए। गोलू का ख्याल रखना उसके कितने रुपए? और टोटल कितने हो गए? बहुत सारा प्यार। देखा बच्चों, मम्मी कितना सारा प्यार करती है आपसे। आपसे काम करने के पैसे तो नहीं लेती ना? हाँ, वो ही बताया है इसमें। मम्मी को गोलू से केवल प्यार चाहिए। गोलू की आंखों में आंसू आ गए, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह भागकर मम्मी से लिपट गया और कुछ कहता उससे पहले ही मम्मी बोली, मैंने अपने राजा बेटे को माफ़ कर दिया। बच्चों, इस कहानी से आप क्या सीखे? इस कहानी से सीखे कि मम्मी आपसे कितना सारा प्यार करती है, वो भी फ्री में। वेरी गुड। चलिए इस पाठ का अब अभ्यास करते हैं कि इस पाठ से हम क्या क्या सीखे हैं। बच्चों बताओ, इसमें कुछ नए शब्द आए हैं। इस कहानी में हमने कुछ नए शब्द पढ़े हैं, अब उसको पढ़ना है और उसका अर्थ समझना है। पहले हम इन शब्दों को पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद दूसरे पर्सन में उनके अर्थ लिखे हैं। जैसे नटखट, नटखट का क्या मतलब होता है बच्चों? नटखट का मतलब होता है शैतान। और हाजिर जवाब, हाजिर जवाब समझते हो बच्चों? हाजिर जवाब का मतलब होता है उत्तर देने में निपुण। आपसे कुछ भी पूछे और आप तुरंत जवाब दे देते हो तो इसका मतलब है आप बहुत हाजिर जवाब बच्चे हो। वेरी गुड। एक और बताओ बच्चों, लाडला, गतिविधियाँ, सहमति और एहसास, इनके उत्तर इधर लिखे हैं। इसका मतलब, इनका जो मतलब है, जैसे लाडला उसका प्यारा, इसका लाडले का मतलब क्या होता है? प्यारा। वो कहाँ पे लिखा है? उनके सामने लिखा है। बच्चों गतिविधियाँ आपको पता है क्या होता है? गतिविधियाँ का मतलब बताओ, उनके सामने ही लिखा है। क्या लिखा है? क्रियाकलाप, हरकतें, मतलब वो काम कुछ ना कुछ करता रहता है, उसमें गतिविधि रहती है, वो शांत नहीं बैठता। कोई भी चीज़ अगर काम करती रहती है तो उसकी वो गतिविधि होती है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो बच्चों। चलो, एहसास का भी उत्तर हमें पता लग गया, मतलब इसका मतलब क्या होता है एहसास का? अनुभव, सहमति का भी पता लग गया, मान जाना। चलिए बच्चों, आगे भी कुछ पर्सन हैं। आपने कहानी तो पढ़ ली, अब उसके आधार पर कुछ जवाब देने हैं हम लोगों को। चलो दे देते हैं, क्योंकि आपने तो कहानी बड़े अच्छे से समझी है। देखो बच्चों, गोलू कैसा बच्चा था? आपने कहानी में पढ़ा है ना, गोलू कैसा बच्चा था बताओ प्यारे बच्चों? गोलू नटखट बच्चा था, ठीक है, इसमें लिखना है हमें गोलू नटखट बच्चा था। गोलू माँ की मदद कैसे करता था? आपने ये भी तो पढ़ा है कहानी में, आपने इसकी भी तो रीडिंग लगाई थी ना चैप्टर में। बताओ गोलू अपनी मम्मी का कैसा काम करता था? वेरी गुड, मम्मी की बात, पड़ोस में संदेश ले जाना, छोटे मोटे काम करना और कपड़े उठा के देना, छोटे मोटे जो भी घर के काम होते थे वो सारे इसमें लिखना है। वेरी गुड। चलो बच्चों, गोलू की माँ ने किस किस को रुपये दिए बताओ? बच्चों गोलू की माँ ने किस किस को रुपये दिए? आपने यहाँ पे पढ़ा है ना, ये देखो कहाँ पे दिए थे बच्चों? दूध वाले को रुपये दिए, धोबिन को रुपये दिए, है ना। क्या क्या लिखना है इसमें? लिखना है मम्मी ने धोबिन को रुपये दिए, दूध वाले को रुपये दिए और मेहरी को भी रुपये दिए। कितने लोगों को दिए थे? धोबी वाले को, दूध वाले को और मेहरी को। वेरी गुड, आपने तो इसका भी जवाब दे दिया। चलो आप बताओ, गोलू ने पर्चे पे क्या लिखा था? गोलू ने एक पर्चा बनाया था ना मम्मी के लिए, उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा था गोलू के काम। मम्मी ने
उस पर्चे को पढ़ा था ना, आपको याद है गोलू के काम वाला पर्चा, जब गोलू ने दिए थे 40 रुपये मांगे थे ना गोलू ने अपने काम के। जैसे गोलू के काम कपड़े समेटना, सामान लाना, पानी की बोतल भरना और फूल तोड़ना। वेरी गुड, ये सब आपको कहाँ लिखना है? ये आपको इसके उत्तर में लिखना है, अपनी सीट पर। चलो बच्चों, अब पांचवा देखते हैं। माँ का पर्चा पढ़कर गोलू ने क्या किया? जब बच्चा माँ का पर्चा पढ़ा, मम्मी ने जो पर्चा बनाया था उसको जब पढ़ा, उसने फिर क्या किया? ये देखें, ये माँ का पर्चा है। जब गोलू ने इस पर्चे को पढ़ा तो गोलू की आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। तो यही आंसर हमें कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है बच्चों। वेरी गुड। चलो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। बच्चों इसमें हमें सही और गलत बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। आप कर दोगे ना? वेरी गुड। बताओ बच्चों, गोलू माँ की मदद नहीं करता था क्या? गोलू माँ की मदद करता था कि नहीं करता था? करता था ना वो, तो इसमें क्या है? इसमें सही लिखना है हमें। वेरी गुड। ये कथन क्या है? गलत है। फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे थे सही लिखना है? बच्चों ध्यान से सुनना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं। वेरी गुड, गोलू माँ की मदद नहीं करता था, ऐसा क्या ये वाक्य गलत है कि सही है? ये वाक्य गलत है, ये गलत बोल रहा है। माँ की मदद तो गोलू करता था ना? हाँ, तो इसमें हमें गलत लिखना है, सही नहीं लिखना। वेरी गुड, अब आप अच्छे से समझ गए हो। चलो, गोलू माँ का लाडला था। बताओ बच्चों, गोलू माँ का लाडला था या गोलू से मम्मी उसकी प्यार नहीं करती थी? करती थी ना, माँ का तो लाडला था। तो ये वाला कथन आपका सही है, ये वाक्य सही है, हम यहाँ पे लिखेंगे सही। चलो बच्चों बताओ, माँ ने गोलू को 100 रुपये दिए। क्या माँ ने 100 रुपये दिए थे या 40 रुपये? 40 रुपये। इसका मतलब ये बात तो गलत है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम गलत लिखेंगे। वेरी गुड। चलो बच्चों आगे बताओ, माँ का हिसाब पढ़कर गोलू रो पड़ा। जब मम्मी ने उसे पर्चा दिया अपने हिसाब का, तो गोलू क्या कर रहा था? रोने लगा था ना। वेरी गुड। चलो इसमें लिखना है सही, माँ ने गोलू को सजा दी। क्या माँ ने गोलू को मारा था? नहीं ना, उसको सजा दी थी कोई? नहीं ना। तो ये कथन क्या है? ये कथन गलत है, तो हमें यहाँ पे गलत कर देना है। वेरी गुड। चलो बच्चों पांचवा क्वेश्चन, पांचवे में क्या बताया है? अपने वाक्य बनाओ। बच्चों ये कुछ शब्द है और आपको एक वाक्य बनाना है, बड़ा इजी है। तो मदद, गोलू ने अपनी मम्मी के हर काम में मदद करता था, जैसे ये एक वाक्य बन गया, ऐसे ही आपको इन सारे शब्दों का वाक्य बनाना है। बनाओगे ना? वेरी गुड। अपनी सीट पर ये सारा होमवर्क करना है जितना मैं करा रहा हूँ। बच्चों वाक्य में आए नाम वाले शब्द पर गोले लगाओ, जो शब्द नहीं आए पूरे वाक्य में उसको गोला मत लगाओ। देखो, गोलू नन्ना बच्चा था, तो इसमें कौन कौन सा आया वाक्य? बताओ। जैसे गोलू नन्ना बच्चा था, गोलू नटखट बच्चा था, मतलब ये वाक्य में नहीं आया, ये पूरे चैप्टर में नहीं आया। तो हम इस पे क्या करेंगे बोलो? इसमें हम गोला नहीं लगाएंगे, हम उसी पर गोला लगाएंगे जिस वाक्य पे जो हमने कहानी में पढ़ी है, जो वाक्य हमने कहानी में पढ़ी है वही वाक्य पर हम गोला लगाएंगे। गोलू नन्ना बच्चा था, क्या ये वाक्य हमने कहानी में पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, हमने तो ये पढ़ा है कि गोलू नटखट बच्चा था। वेरी गुड। इस पर हम गोला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाक्य आया ही नहीं था। वेरी गुड। चलो, माँ ने धोबिन को 1 रुपये दिए, ये वाक्य हमने पढ़ा है ना, धोबिन को पैसे दिए थे ना। वेरी गुड। तो हम इस पे ऐसे करके गोला खींच देंगे, ऐसे है ना, कर दोगे ना? हाँ। चलो, जंगल में शेर रहता है, ये वाक्य तो पूरी कहानी में ही नहीं था, ना ही जंगल था और ना ही शेर, इसका मतलब ये गलत वाक्य है, हमें इसे नहीं लिखना, इसके ऊपर गोला नहीं खींचना। चलिए, बच्चे रोज पाठशाला जाते हैं, क्या ये वाक्य आया है पूरी कहानी में?
नहीं आया है ना, हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ तो हमें ये छोड़ देना है, हमें ये वाला भी छोड़ देना है। चलो अब ये बताओ बच्चों, सातवें पे आ गए हम। गोलू माँ के हर काम में उनकी मदद करता था। आप अपनी माँ के काम में किस प्रकार मदद करते हो? आप मम्मी के वर्क में कैसे कैसे हेल्प करते हो? आपकी मम्मी उन्हें काम बताती है ना, आपको काम बताती है ना कि मम्मी बेटा ये काम कर दो, बेटा ये उठा के ला दो, बेटा फ्रिज में पानी डाल दो, बेटा फूल में पानी डालाओ, कैसे काम बताती है। वेरी गुड, इसका मतलब आपको अपनी दिनचर्या लिखनी है, जो जो भी मम्मी बताती है आपको लिख दोगे ना कि आप पूरे दिन में मम्मी की हेल्प कैसे करते हो। हाँ अपनी सीट पर लिखना है। चलो आठवें में बताते हैं, आपके घर में कौन क्या काम करता है, सूची बनाओ। आपकी मम्मी क्या क्या काम करती है पूरे दिन? आपके पापा जी, आपके दादी जी, दादा जी, भैया और दीदी, इन सब की एक सूची बनानी है कि मम्मी रोटी बनाती है, मम्मी घर का सारा काम करती है, पापा ऑफिस जाते हैं या दुकान जाते हैं, दादी घर में बुक्स पढ़ती है मतलब भगवान की पूजा करती है और हमारे साथ खेलती भी तो है। हाँ ये सब इसमें सूची बनाकर, जैसे भी आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भैया भाभी या दीदी, भाभी तो इसमें है ही नहीं, तो हमें भैया और दीदी का बताना है कि उनका वर्क क्या रहता है पूरे दिन और उनकी सूची बनाओ। चलो बच्चों आपने सेकंड चैप्टर भी ख़त्म कर लिया और आपको ये सारा होमवर्क जितना भी मैंने कराया है अपनी सीट पर कर लेना है। उसके बाद नया चैप्टर पढ़ेंगे। नए चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? W, चैप्टर नंबर 3। वेरी गुड, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, उससे पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ओके बाय बाय।